अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आधी रात को बीच सड़क पर ये तस्वीर देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क के एक तरफ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कंटेनर अपने सामने एक कार को घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच सड़क के किनारे खड़े लोग यह मंजर देखकर सहम गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो यूपी के मेरठ का बताया जा रहा है। दरअसल एक नशेड़ी ड्राइवर ने एक कार को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कई किलोमीटर तक घसीटते हुए चला गया। गनीमत ये रही कि कार में बैठे लड़कों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सोशल मीडिया में घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और किसी तरह कंटेनर को रोका और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वहीं आरोपी ड्राइवर का नाम अमित बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है। ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। सुनिए जिन्होंने ये पूरी घटना को देखा और कार चालक ने क्या बताया है। यहाँ रोड पे खड़े थे तो हमने देखा कि दूर से एक ट्रक वाला एक गाड़ी को खींचते हुए ला रहा था लगभग 3-4 किलोमीटर से, और रस्ते में उसने किसी को नहीं देखा। जितनी भी गाड़ी आ रही थी लगभग सबको ही घसीटते हुए ला रहा था, कुछ नहीं देख रहा था वो। भैया ये गाड़ी वाला मंडी पे से 2 दिनों को मार के पीछे भाग रहा था। मेरी गाड़ी भी बराबर में आई, मेरी गाड़ी को गाड़ी दबाई, ये पीर पे आके रुका। मैंने आराम से अपनी गाड़ी साइड में लगाई, मैंने कहा उधर के गया से कहने के लिए कि गाड़ी आराम से चलाए, लेकिन इसे मेरी सुनने से पहले ही अपना गेज डाला, एक्सीडेंट में पैर रखा, गाड़ी में गाड़ी फंसा के खींचता लाया। मेरी 4 लड़के और बैठे हुए थे जिनको भी उनके साथ ही खींचता हुआ लाया। लड़के जैसे तैसे गाड़ी पुलिस में कूद के भगे हुए, तब गाड़ी भगाई है, आगे आगे से जंपर में खुद की गाड़ी लगी है, तब ये रुका है। लगभग कितनी दूर लाया ये गाड़ी? लाया है पीर पैसे संगम तक, कम से कम 2 किलोमीटर।